गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। दमोह जिले के हरा थाना क्षेत्र में कल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता पर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराने जब थाने पहुंची तो थाने में भी महिला आरक्षकों व एसआई के द्वारा उसके साथ अभद्रता करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा की अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने एसपी आवास पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की व दोनों पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करने की बात कही। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दो दिन बाद महिला मोर्चा ने धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। इस संबंध में क्या कुछ कहना है महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष का व जिला पुलिस अधीक्षक का, सुनते हैं। आज हम महिला मोर्चा की सभी बहनें एसपी ऑफिस आई हुई हैं और कल की घटना है ये। हमारी कार्यकर्ता रने से हटा डेली कोचिंग के लिए अप डाउन करती है, तो कल वहाँ पे जब वो कोचिंग के लिए आई हुई थी तो उसके साथ में छेड़खानी की घटना हुई और वह बता रही थी कि निरंतर वह लड़के 5 दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। तो जब वो बहुत परेशान हो गई तो उसने अपने भाई को फ़ोन किया, जब कुछ लोग वहाँ पर आए और फिर ये थाने गई। जब थाने गई तो वहाँ पर बहुत अभद्र घटना हुई और बहुत निंदनीय घटना हुई, जिसके कारण हम सभी यहाँ आए हैं। वहाँ पर जो उप निरीक्षक नित्य त्रिपाठी और महबूबा बानो दोनों थाने में थी, उन लोगों ने इसके साथ में बहुत अभद्र व्यवहार किया और जब इसने बोला कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो जब 4 वहाँ पे जेंट्स पुलिस वाले खड़े हुए थे तो उनके सामने वो गंदे गंदे से प्रश्न करने लगी और वो रिपोर्ट लिखने भी तैयार नहीं हो रही थी। बच्ची सहम गई, उसको लगा कि ये किस तरह का प्रश्न कर रही है। फिर उसने कहा कि आप हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए, तो भी वह मानी नहीं और उससे कहने लगी हम तुम्हारे पैर पड़वा देते हैं उस लड़के से, कंप्लेंट लिखने की क्या ज़रूरत है। फिर इसने कहा कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, और जब वहाँ पे टी आई सर आए वहाँ पर, तब उसने टी आई सर को भी बोला कि आप इनको कुछ बोलो, तो टी आई सर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कहा आप ही बात कर लो। मतलब जो रवैया था कल थाने का वो बहुत ख़राब था। एक महिला कॉन्स्टेबल होकर जब वो दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो फिर मतलब ये सोचने वाला विषय है। और फिर जब उन्होंने ये बोला कि भाई आप इस घटना पे आप थोड़ा बोल दो, हम इससे बहुत परेशान हैं मानसिक रूप से, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि आपको जो करना है आप कर लो। तो फिर हमारी मंडल अध्यक्ष ज्योति दुबे हैं जो हटा ग्रामीण सेवा भी गई हुई थी साथ में, उन्होंने भी बोला ये चीज़, तो उन्होंने कह दिया कि आपको जो करना है आप कर लो। तो हम इसी घटना के संबंध में आज हमने सर से मिले हैं और हम महिला मोर्चा की तरफ से हम लोगों ने सर से ये बोला है कि 2 दिन के अंदर नित्य त्रिपाठी और महबूबा मानो दोनों का हम सस्पेंड करना चाहते हैं, उनको सीधे निलंबित किया जाए ताकि उनको ये समझ में आए कि महिलाओं की मांग यही है, महिला मोर्चा जिंदाबाद और उनको महिला मोर्चा जिंदाबाद, और उनको यह समझ में आना चाहिए कि किसी महिला के साथ वो इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती। अगर वो मतलब, और बात कार्यकर्ता की नहीं है, दमोह जिले की कोई भी महिला होती, कोई भी बेटी होती, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार होता तो हम लोग फिर भी उसके सस्पेंड की मांग करते हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनको 2 दिन के अंदर सस्पेंड किया जाए, वरना हमारे जिले का पूरा महिला मोर्चा, पूरे जिले का समस्त महिला मोर्चा धरने पर बैठेगा और इस चीज का सख्त विरोध करेगा, क्योंकि हम लोग एक महिला का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे और शर्म की बात है कि अपमान करने वाली भी एक महिला है। आज आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन? 3 दिन के अंदर सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि हम लोगों की सिर्फ एक ही सिंगल मांग है, उनको सस्पेंड किया जाए। संगठन के पदाधिकारी ने उनके साथ छेड़छाड़ी की घटना घटी हुई थी, जिस संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज हुई है और उसमें हमने विवेचना जो है घटना में रिपोर्ट दर्ज हुई, हमने विवेचना जो है तभी थाने प्रभारी को दिया हुआ है। इसलिए कुछ इन्होंने जो है शिकायत की है, उस शिकायत की जांच में तत्काल इस रूप से कराऊंगा। फिर संदर्भ